नया IBM 7 हौसला है। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट के इस स्पेशल एडिशन के साथ ऑस्ट्रेलिया से मैं हूं आकाश सोनी और मेरे साथ है, कैन आई हैव योर नेम प्लीज? पॉल लुइस। व्हाट डू यू डू पॉल? आई डू फ्रेंचाइज डेवलपमेंट। ओके, पॉल लुइस एक आम ऑस्ट्रेलियन नागरिक है, इनसे भी बात करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑल फोन अरीना में थे, यहां सिडनी में थे, और उन्होंने वहां पर जैसे वो वहां पहुंचे तो जिस तरह से उनका इस्तकबाल हुआ, स्वागत हुआ, वो बिल्कुल देखने लायक था, चाहे इंडियन कोई हो या ऑस्ट्रेलियन। व्हाट डू यू नो अबाउट मिस्टर मोदी? आई थिंक मोदी हैज डन अ रियली गुड जॉब बिल्डिंग अप हिज पब्लिक इमेज। वी ऑल जस्ट होप दैट ही कैन कम थ्रू ऑन हिज इनिशियल प्रोपोजिशंस। ओके, एंड व्हाट अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस? या आई थिंक दैट्स डेफिनेटली हिज स्पेशलिटी थस फार। अपनी पब्लिक इमेज उन्होंने बहुत अच्छी बनाई है और इंटरनेशनल अफेयर्स में भी जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं उसके कारण बहुत सारे लोग यहां ऑस्ट्रेलिया में भी उनके मुरीद बन गए हैं। इतना ही नहीं, नेताओं की भी अगर बात करें तो ओबामा उनको मैन ऑफ एक्शन कह रहे हैं, डेविड कैमरन उन्हें इन्वाइट कर रहे हैं और साथ ही साथ जर्मनी की एंगेला मर्केल भी उनको इन्वाइट कर रही हैं। यहां सिडनी में उनका स्वागत देखने लायक था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुंबकीय शख्सियत से आम लोग उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। म्यांमार और ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मोदी जहां भी गए लोगों ने उन्हें घेर लिया, लेकिन इस दौरे में विश्व नेताओं के बीच भी मोदी का अलग क्रेज दिखा। ब्रिस्बेन में G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री पूरे आत्मविश्वास और जोश के साथ दुनिया के बड़े बड़े नेताओं के साथ घुलते मिलते नजर आए। G20 के शिखर सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी अबॉट ने पीएम का स्वागत किया। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और टोनी अबॉट का गले लगकर मिलना चर्चा का विषय बन चुका है। ऑस्ट्रेलिया का अखबार द एज ने दोनों नेताओं के इस अंदाज को स्टैंड आउट शेक बताया तो वहां बसे भारतीय इसे टोनी अबॉट को मोदी की जादू की झप्पी करार दे रहे हैं। ये तो जादू की जप्फी है मुन्ना भाई की हमारे ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री को, और नरेंद्र मोदी जी तो मुन्ना भाई से काफी बढ़ बढ़ के काम कर रहे हैं, तो जितना काम कर रहे हैं वो भी कम है। इट्स रियली हिस्टोरिक विजिट बिकॉज अभी 1986 के बाद हमारा इंडियन प्राइम मिनिस्टर इधर ही केम हियर, सो विच इज रियली हिस्टोरिक। G20 सम्मेलन के दौरान मोदी और अबॉट का मिलन कुछ इसी तरह से चर्चित हो गया जैसा कि म्यांमार की राजधानी में मोदी ओबामा मुलाकात चर्चित हुई। पिछले बुधवार को जब ओबामा नरेंद्र मोदी से मिले तो उन्होंने उनका स्वागत गुजराती में करते हुए कहा केम छो। मोदी ने भी उतनी ही तत्परता से गुजराती में जवाब दिया मजा मा छो। एक महीने के भीतर यह मोदी और ओबामा की दूसरी मुलाकात थी। दोनों नेताओं में पहली मुलाकात तब हुई थी जब सितंबर में मोदी अमेरिका दौरे पर गए थे। इस मुलाकात के दौरान ओबामा और नरेंद्र मोदी के बीच एक निजी रिश्ता बना। ये दोनों नेता निजी स्तर पर एक दूसरे को समझने लगे। यही वजह है कि म्यांमार में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए ओबामा ने कहा मोदी इज मैन ऑफ एक्शन। म्यांमार और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जो भी विश्व नेता मोदी से मिला उनकी शख्सियत के जादू में गिरफ्तार होने से नहीं बच सका। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने भी मोदी की जमकर तारीफ की और उन्हें ब्रिटेन आने का न्योता दिया। It was a first G20 summit for our Honorable Prime Minister, and as it turned out to be that he was the most sought after leader in the G20 summit. G20 सम्मेलन के आयोजन में जो भी विश्व नेता प्रधानमंत्री मोदी से मिला उन्हें अपने देश आने का न्योता देना नहीं भूला। G20 की बैठक में दुनिया के तमाम देशों के नेता जुटे थे, लेकिन इसमें शक नहीं कि मोदी का जादू सबसे अलग था। I think he has made a pitch which is saying that we are with you, but you also take us along. So that's a very, very nice pitch. And somewhere the line, will they pay heed to Modi's call? See, today in current situation, you might have seen the body language. Mr. Modi was one of the most sought after leaders in G20.
करीब छह महीने में दुनिया के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नीतियों और शख्सियत से ऐसा असर छोड़ा है कि चारों तरफ मोदी और नए भारत की धूम मची है। मोदी इसे भारत की बढ़ती अहमियत का प्रतीक करार दे रहे हैं। हमें अपना बढ़ाने के लिए जो पहले कभी हमारे नमस्ते भी नहीं लेता था, वो आजकल गले लगने की कोशिश कर रहा है। आधुनिक भारत को लेकर दुनिया के देशों में जगी इस दिलचस्पी को प्रधानमंत्री धीरे धीरे भारत की तरक्की की तरफ भी मोड़ रहे हैं, जिसका सबूत है विदेशी निवेश, जो दुनिया में मोदी का क्रेज बढ़ने के साथ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। दुनिया के नेताओं से जुड़ता मोदी का निजी रिश्ता इसे और आगे बढ़ा रहा है। इस वक्त हम सिडनी हार्बर के ठीक नीचे खड़े हैं और ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात की है, उसकी चर्चा हो रही है। चाहे काले धन की बात हो, चाहे G20 के जरिए दुनिया की अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे ले जाने की बात हो, इन सभी मुद्दों पर बहुत सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया को और दूसरे देशों को भारत की तरह आगे बढ़ना चाहिए और भारत के भी हाथ, भारत के प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत करने चाहिए। G20 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ अपनी शानदार शख्सियत की छाप छोड़ी है, बल्कि अपनी बेबाक विदेश नीति से भी प्रभावित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे को देश में काला धन वापस लाने की मुहिम में तब्दील कर दिया। G20 और इससे पहले ब्रिक्स देशों की बैठक में भी प्रधानमंत्री ने काले धन का मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री ने काले धन का मुद्दा उठाया तो उनकी इस मुहिम में बाकी देशों का भी साथ मिला। विदेशों में जमा धन वापस लाने की प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर G20 मुल्कों की प्राथमिकता सूची में काला धन भी शामिल हुआ। After Prime Minister spoke, several other countries also echoed this sentiment, and I can offhand from my recollection, there were certainly some of the BRICS countries like Brazil and like South Africa and several others spoke in favor of that. दुनिया के देशों को मोदी मुतासिर करने में कामयाब रहे कि आतंकवाद, ड्रग्स और अवैध हथियारों के धंधे की कुंजी काले धन में ही छिपी है। इससे पहले म्यांमार में भी आसियान देशों की बैठक में प्रधानमंत्री ने काले धन और आतंकवाद के रिश्ते को उठाया, लेकिन आतंकवाद को धर्म से जोड़ने वाली सोच के खिलाफ दुनिया को आगाह भी किया। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि टेररिज्म को डीलिंग करना चाहिए मजहब से। चाहे लोग कहते तो ये हैं, सब कहते हैं कि टेररिज्म टेररिज्म है, लेकिन ये टेक्स्ट है और सब टेक्स्ट जो है सबका यही होता था कि किसी मजहब के साथ उसको जोड़ते थे जी। तो ये प्रधानमंत्री ने बहुत खुलकर और इस मंच पर और वेस्ट में आकर ये बात कही है, तो ये इस माने में बहुत अच्छा मैसेज गया है। विदेश नीति में साफ सोच से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व मंच पर सफलता की नई कहानी लिख रहा है। आसियान सम्मेलन से ठीक पहले फूड सिक्योरिटी के मुद्दे पर अमेरिका भारत के साथ आ गया। अब WTO में फूड सिक्योरिटी का विरोध नहीं होगा, वही भारत ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट पर साइन करेगा। भारत के सफलता के बाद बाली एग्रीमेंट बिना शर्त लागू हो जाएगा, जिसका स्वागत G20 में किया गया। वी वेलकम द ब्रेक थ्रू बिटवीन ऑन द फुल एंड प्रॉम्प्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट एंड इंक्लूड्स प्रोविजन ऑन फूड सिक्योरिटी व्हिच इज द वेलकम नॉट ओनली दिस फॉर द बायलैटरल बट दिस इज नाउ वेलकम बाय ऑल द G20 कंट्रीज दैट द फूड सिक्योरिटी इज वेलकम। जाहिर है आज दुनिया में मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही है तो बेवजह नहीं है। बराक ओबामा ने यूं ही नरेंद्र मोदी को मैन ऑफ एक्शन नहीं कहा है। डेविड कैमरन यूं ही मोदी को अपने देश आने पर गर्मजोशी भरे स्वागत का भरोसा नहीं देते हैं। टोनी अबॉट यूं ही मोदी को गले नहीं लगाते हैं। दुनिया के ये नेता समझने लगे हैं कि मोदी में फैसला लेने, सख्त नीति के लिए जोखिम लेने का मादा है, इसलिए समूची दुनिया में बज रहा है मोदी का डंका। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। मेरे पीछे आप देख रहे हैं सिडनी का ओपेरा हाउस। इस वक्त हम सिडनी में हैं और आज ऑल फोन्स अरीना के अंदर जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो उस समय भारतीयों ने जिस तरह की दीवानगी उनके लिए दिखाई उसको देखकर ऑस्ट्रेलियंस भी अभिभूत थे। बड़े बड़े नेता हमारे पास में बैठे थे, लोग जब तालियां बजा रहे थे, मोदी मोदी कह रहे थे, ये लोग चमत्कृत थे और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि इस एक आदमी ने ऐसा क्या कर दिया है
कि भारत में ही नहीं ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी लोग इस कदर नरेंद्र मोदी को पसंद कर रहे हैं। ब्रिस्बेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण करने पहुंचे तो माहौल में जबरदस्त उत्साह नजर आया। मोदी मोदी के नारों के बीच उनसे हाथ मिलाने वालों की ऐसी भारी भीड़ थी कि सुरक्षा बलों को जबरदस्त मशक्कत करनी पड़ी। प्रधानमंत्री ने इस मौके का इस्तेमाल गांधी जी के विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए किया। कुछ लोग ये कहते हैं कि मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद बार बार गांधी का नाम लेते हैं और हर चीज में गांधी को लाते हैं, लेकिन आज हेमंत ने जो घटना सुनाई उसके बाद मैं समझता हूं इस प्रकार की चर्चा करने वालों को जवाब मिला होगा कि जब मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था और ब्रिस्बेन भी आता हूं तब भी यहां के लोगों की सिर्फ मैं गांधी की बात करता हूं। प्रधानमंत्री के सम्मान में सिविक रिसेप्शन भी रखा गया। ब्रिस्बेन में उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ अंग्रेजी में भाषण दिया। हियर इन ब्रिस्बेन एंड एट दिस रिसेप्शन आई फील द सेंटिमेंट ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन अवर पीपल एंड द प्रॉमिस ऑफ ए स्ट्रांग पार्टनरशिप इन द इयर्स अहेड। मशहूर उद्योगपति और महिंद्रा एंड महिंद्रा के मालिक आनंद महिंद्रा ने ट्विटर पर लिखा, पीएम ब्रिस्बेन के नागरिक अभिनंदन में अंग्रेजी भाषा में अलिखित भाषण दे रहे हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी का अंग्रेजी का भाषण चर्चा का विषय बन गया। ब्रिस्बेन के मेयर ने इस मौके पर मोदी की तारीफ के पुल बांध दिए। Well, clearly Mr. Modi has a direction that he wants to take India in. He's made the announcement about the 100 smart cities that he wants to create, and that is a very important direction for India in the future. जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी लोगों को खुद को निखारने की सीख ही नहीं देते हैं, बल्कि अपने व्यस्त जीवन शैली के बीच वक्त निकालकर खुद को भी निखारते हैं। और महात्मा गांधी ने जो सपना देखा था, जबरदस्त मेहनत, जोशीला अंदाज, मोदी की शख्सियत में ऐसे कई पहलू हैं जिसकी वजह से उनकी लोकप्रियता नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी है। विदेशों में बसे भारतीयों की बात छोड़ दें, विदेशों में बसे पाकिस्तानी भी उन्हें देखने सुनने के लिए बेकरार रहते हैं। काशिफ, आप कहाँ के? मैं कराची, पाकिस्तान का हूँ। तो काफी एक्साइटमेंट चल रही है यहाँ पर इस वक्त वर्किंग फॉर एन इंडियन रेडियो, एंड ट्रस्ट मी मैं इतना ही इक्वली एक्साइटेड हूँ टू एक्चुअली मीट एंड प्रॉब्ली नॉट मीट बट द विजिट ऑफ मिस्टर मोदी जी। मोदी के इस सम्मोहन की वजह यह भी है कि वो नई पीढ़ी से कनेक्ट बनाने में कामयाब रहते हैं। सोशल मीडिया पर वो सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता हैं। मोदी जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे तो उनका पहला कार्यक्रम ब्रिस्बेन की क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में था, जहां मोदी के साथ सेल्फी लेने के लिए छात्रों में जबरदस्त जोश दिखा। इससे पहले म्यांमार के दौरे के वक्त दुनिया में पहली बार इंस्टाग्राम पर मोदी की सेल्फी देखी गई। उन्होंने ट्वीट कर बताया, मैं अब इंस्टाग्राम पर भी आ गया हूं, देखिए मेरी पहली फोटो। स्पेशल रिपोर्ट में अभी वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन जब लौटेंगे तो समझेंगे क्या वाकई भारत की विदेश नीति में कोई बड़ा परिवर्तन आया है। भूटान से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक अभी तक क्या बदला है। स्पेशल रिपोर्ट जारी है इस ब्रेक के बाद। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां ऑस्ट्रेलिया में हैं। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट का ये विशेष एडिशन आकाश सोनी के साथ। आपको ये भी बता दें कि भूटान से अगर शुरुआत करें और यहां ऑस्ट्रेलिया तक आ जाएं, तो आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे दोस्त बनाए हैं, चाहे वो बड़े बड़े नेता हों, चाहे वो ऐसे आम नागरिक हों इन देशों के, जिनके कारण एक पब्लिक ओपिनियन भारत के पक्ष में बेहतर बना है। और वहां रह रहे भारतीयों को भी इस बात पर गर्व है कि उनके ऐसे प्रधानमंत्री इस बार आए हैं जिनको उस देश के लोग भी उतना ही पसंद कर रहे हैं जितना कि वो खुद पसंद करते हैं। लेकिन
भारत के प्रधानमंत्री ने एक और काम किया है, वो ये कि आगे बड़े बदलावों के बहुत सारे बीज उन्होंने डाल दिए। म्यांमार से ऑस्ट्रेलिया तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति झंडे गाड़ रही है। G20 में प्रधानमंत्री का जोर सामाजिक, आर्थिक और सुरक्षा से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के पुनर्गठन के साथ साथ भारत में विदेशी निवेश बढ़ाने पर भी था। सिडनी के ऑल फोन्स एरिना में हुए कार्यक्रम में भी मोदी ने अपने इस लक्ष्य को पूरी शिद्दत के साथ रखा। दुनिया से हम इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, हम मेक इन इंडिया का अभियान लेकर के बैठे हैं। मैं चाहता हूं विश्व भारत की धरती पर आए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आए, क्योंकि हमारा मकसद एक है, मेरे देश के नौजवान को रोजगार मिले। मोदी सरकार भारत की विदेश नीति में बदलाव के लिए कमर कस चुकी है। यही वजह है कि 6 महीने में नरेंद्र मोदी लगातार विदेश दौरे कर रहे हैं। सितंबर में प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंचे थे, जिसने भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों की नई बुनियाद रखी। ऐसा पहली बार हुआ कि भारतीय पीएम की यात्रा पर अमेरिका ने रिश्तों के रोडमैप का साझा विजन डॉक्यूमेंट चले साथ साथ फॉरवर्ड टुगेदर वी गो जारी किया। विजन डॉक्यूमेंट में कहा गया कि भारत और अमेरिका 21वीं सदी में परिवर्तनकारी भरोसेमंद साझेदारी की तरफ बढ़ेंगे। अमेरिका दौरे की सफलता की वजह से ही अमेरिकी सांसद उनमें अमेरिका की आर्थिक नीति बदलने वाले रोनाल्ड रीगन की छवि देखने लगे। I think it's important to remember that this new Prime Minister, Mr. Modi, is what I think will become the next Ronald Reagan for the world. ऐसा ही असर प्रधानमंत्री के जापान दौरे पर भी दिखा था, जहां उन्होंने अपनी शख्सियत से जापानियों का भी दिल जीत लिया। जापान ने भारत में भारी निवेश का वादा किया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी मोदी के नेतृत्व में उभरते मजबूत भारत से नए सिरे से रिश्ते बनाने की कोशिश की है। ये गर्मजोशी म्यांमार में भी दिखी, जब चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग ने मोदी को बीजिंग आने का न्योता दिया। इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा को भी याद किया। आपके निमंत्रण के लिए भी मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मेरा प्रयास रहेगा कि जितना जल्द हो सके उतना मैं चीन आ सकूं। प्रेसिडेंट की भारत यात्रा बहुत ही सफल रही और मुझे खुशी इस बात की हुई कि उन्होंने पहले मेरे होम स्टेट में आने के लिए कार्यक्रम बनाया। दुनिया के मंच पर मोदी की इस विदेश नीति का पहला असर पहली बार तब दिखा जब ब्राजील में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में भारत ब्रिक्स देशों के बैंक का अध्यक्ष बनने में सफल रहा था। वहीं मोदी का शपथ ग्रहण समारोह सार्क देशों के छोटे मोटे सम्मेलन में बदल गया था।